लक्ष्मी जी क्या कहना चाहेंगे आज लॉन्चिंग है मिराज के बारे में? जी बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है। मिराज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक नमकीन और पराठे हम लोग उस तरह से खा के और मज़ा लेते थे, अब वही नमकीन और पराठे खाते खाते हम इनका चैनल भी देखेंगे, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, तो बहुत ही खुशी की बात है, अच्छा मौका है, बहुत बड़ा मौका है। आपकी भी एक वेब सीरीज आने वाली है, जी जी जी, उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरह की वेब सीरीज होगी, क्या कुछ तड़का देखने मिलने वाला है? जी हमारी जो वेब सीरीज़ है अंधा धुंध कानून उसका नाम है, और ऑलरेडी 3 सीज़न उसके आउट हो चुके हैं। कोर्ट रूम ड्रामा है, एक हस्बैंड वाइफ हैं, वो दोनों वकील हैं और मैं उसमें जज प्ले कर रहा हूँ, तो दोनों आपस में ही कुछ, लेकिन सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि नॉर्मल केसेस नहीं है, केसेस जो भी केस हम कोर्ट में लड़ रहे हैं बहुत ही अतरंगी केसेस हैं, और उसके ऊपर फिर अतरंगी सा ही एक फैसला जज साहब की तरफ से आता है, तो आउट एंड आउट कॉमेडी है, एंटरटेन करने की कोशिश है छोटी सी। सर वेब सीरीज से कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है एक आर्टिस्ट के लिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो वेब सीरीज कर रहे हैं आपसे बात करें? जी देखिए इसमें सबका अलग अलग कोट होता है, जो मैं अपना पर्सनली अगर मेरी जो थिंकिंग है वो ये है कि वेब सीरीज़ करने से आपको एज एन एक्टर अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि आपके पास वक्त ज़्यादा होता है। आप अगर सीरियल की बात करें, अगर सीरियल से मैं कंपेयर करूँ, सीरियल में आजकल एक फैक्ट्री टाइप हो गया, उतना वक्त आपको मिलता नहीं है, क्योंकि रोज़ का एक एपिसोड जाना है, आप चाहते हुए भी उतना टाइम कोई आपको दे नहीं पाता, आपके पास होता नहीं है। लेकिन वेब सीरीज़ जो आप करते हैं, जैसे कि फिल्मों में आपके पास वक्त होता है, एक पूरी स्क्रिप्ट होती है बॉन्ड, तो आपके पास वक्त होता है, आप अपने कैरेक्टर पर तैयारी कर सकते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप चीज़ों के साथ कर सकते हैं, तो ये एक बेनिफिट है वेब सीरीज़ का। वेब सीरीज़ का एक ज़माना आ गया है जैसे कि कहा जा रहा है, तो वेब सीरीज़ का क्या फ्यूचर है आपके हिसाब से, क्योंकि एक सेकंड गेम ने काफ़ी गेम चेंज कर दिया है। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए अच्छी स्क्रिप्ट होगी, अच्छा परफॉर्मेंसेज होंगे, अच्छा डायरेक्शन होगा, ऐसी चीज़ होगी जो ऑडियंस को पसंद आएगी। ऑडियंस ये नहीं देखती है कि कौन काम कर रहा है, उसको चीज़ पसंद आती है। आप देखते हैं कि कई बार छोटे छोटे बजट की फिल्म में भी इसमें न्यू कमर्स होते हैं, वो भी काफ़ी कमाल कर जाते हैं, और बड़ी बड़ी फिल्में भी कई बार नहीं चल पाती हैं। तो ऐसे ही जो भी, मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ आप अच्छे तरीके से मेहनत से बनाएंगे और ऐसी चीज़ जो ऑडियंस पसंद करे, तो ज़रूर उसको आगे जाना ही। लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए? ऑडियंस को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमारी वेब सीरीज़ है अंधा धुंध कानून मिराज डिजिटल मिरेकल पे, आप उसको ज़रूर देखिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप वो देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही, और एकदम साफ़ सुथरा एंटरटेनमेंट है, कोई इसमें डबल मीनिंग, कोई इसमें गलत अश्लील कुछ नहीं है, तो आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं और पक्के तौर पे आप एंटरटेन होंगे। आपके किरदार की सुनिधि बात करें, किस तरह किरदार है पूरा एक मैन में? अगर जी मेरा हरियाणवी टाइप का करेक्टर है, तो हरियाणवी क्योंकि जज है तो थोड़ा सा हरियाणवी उसको रखा हुआ है, तो और ये क्या है जो हस्बैंड वाइफ जो मैंने आपको बताया ना, उसमें थोड़ा सा, अब है तो आदमी ना, तो थोड़ा सा जो महिला जो हैं उसकी तरफ थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है भाई, थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है भाई, महिला जी भाई ये जीत जाए तो अच्छा हो। बाकी अब पुरुष जो है उसमें जो वकील है दूसरा जो उसका हस्बैंड है, वो थोड़ा सा चालू टाइप का आदमी है, वो कुछ नई नई तरकीबें, नए नए कुछ खुरापात लेके आता रहता है केस में, तो जज साहब को ना चाहते हुए भी उसको ही सही बोलना पड़ता है, भाई बात तो तुम्हारी सही है मेरी। अब इसमें भी क्या है, पॉइंट में दम होता है, लेकिन जज साहब का पॉइंट में दम जो है ना वो ख़राब हो चुका है, तो कोई भी पॉइंट अगर वो दम के, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जिसमें दम हो, तो पॉइंट में दम की जगह जज साहब बोलते हैं दम में पॉइंट है, तो ये एक उनका फ़नी सा तकिया कलाम है, तो ये कैरेक्टर है। मैं फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ MDM के साथ, और बहुत सुना मैंने, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके के एक प्लेटफॉर्म है, वो लोग जो वेब सीरीज अभी हम लोग जो शूट कर रहे हैं एक फिल्म के फॉर्मेट में है, एंड नॉट जस्ट लाइक अ वेब सीरीज, एंड आई थिंक आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज ये जैसे मैंने कहा एक फिल्म के जैसे वो लोग शूट कर रहे हैं, फिल्म कैमरा यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्क्रिप्ट लिखा है वो भी, इट्स जस्ट लाइक अ हिंदी कॉमेडी फिल्म, एंड सो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एक साल बाद मैं एक वेब सीरीज में काम कर रही हूँ, एंड इट्स टिपिकल, इट्स लाइक अ मूवी, इट्स नॉट लाइक वेब सीरीज जिसमें यू नो लाइक वेब सीरीज में सेंसरशिप नहीं है, तो सेक्स डाल दो, पुट दिस इन पुट दैट इन, वैसे तरीका नहीं है, इट्स वेरी नाइस क्लीन, एंड सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। आपकी भी वेब सीरीज आपने बताया
वो आपको देखने पड़ेगा. आई थिंक मैं वो भी हो सकती हूँ और पत्नी भी हो सकती हूँ. तो उस दैट्स द आयरनी ऑफ द होल सीरीज. और शायद ये नाम भी चेंज हो सकता है, ये वर्किंग टाइटल शायद चेंज होगा. सो हाँ, लेकिन इट्स अ कम्प्लीट ऑल आउट कॉमेडी. हर सीन इज वेरी फनी. सिचुएशनल कॉमेडी है और सिंपल भी है. एवरी वन एवरी एज ग्रुप देख सकते हैं, कैन रिलेट टू इट. अभी सिर्फ मुझे सिर्फ वेब सीरीज ही करना है. आई एम वेरी हैप्पी. और इसका फ्यूचर मैंने 5 साल पहले मैंने देखा. एंड 5 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि नाउ लेट्स जस्ट टेक इट ईजी. वेब सीरीज का ऑफर्स आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट. एंड मुझे वेब सीरीज में कॉन्सेंट्रेट करना है. लेकिन ऑल्सो बीच में यू नो व्हेन वेब सीरीज केम टू इंडिया, फिर सब एवरी वन जिस स्टार्टेड मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ वेब सीरीज. क्योंकि सेंसरशिप का ये मतलब वो लोग सोचा कि सेंसर नहीं करना है, तो हर सब्जेक्ट का वेब सीरीज बनाया गया. बट विद दिस वेब सीरीज आई थिंक नाउ फाइनली वी हैव अंडरस्टूड दैट वेब सीरीज ऑल्सो हैज़ टू हैव अ कॉन्सेप्ट, हैज़ टू हैव अ स्टोरी एंड नॉट जस्ट सेक्स रिलेटेड. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने वेट करके ये वेब सीरीज मैंने चूज किया. Besides my no, I only like mine. Kidding. Well, I think आजकल बहुत ही अच्छा web series. I mean, lots of young people are getting a chance. Young actors, young directors, young producers, script writers with various subjects. और Bengali films में जैसे होते हैं and Malayalam films में जैसे होते हैं, you can experiment with different subjects. For scripts, I think web series में you can experiment so much. Today, I think more people are getting a chance to showcase their talent, whether it's a director, producer, cameraman, actors. I think it's a great medium to be a part of. Exactly. Any message you would like to give to your friends? Yes, please watch my web series when it releases, and I hope you like it. Thank you. Ma'am, digital. We should have MGM ki itne digital platform ke baare mein kuch bataiye. Kitne ka hai platform? क्या कुछ देखने वाले हैं तो नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें देखने वाले हैं ये बता सकते हैं. बहुत ही प्रॉमिसिंग, बहुत ही फन, एंटरटेनिंग, यू नो हर कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ है ये हम कह सकते हैं. लेकिन वो क्या होगा ये आप देखिएगा. ओके, आपकी बात की जाए, कोई वेब सीरीज़ में आप नज़र आने वाली हो और क्या पार्ट होगा आपका वेब सीरीज़? सो जी हाँ, मैं इनके साथ इट्स कॉल्ड पति पत्नी. और वो ये मेरा पहला कदम है वेब सीरीज़ की दुनिया में. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. आज तक टीवी में अलग अलग रोल्स किए हैं, तो कभी सोचा नहीं था, कभी यू नो प्लान नहीं किया था. बट इट्स अ वेरी गुड शो और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट थी कि मना ही नहीं कर पाए. एंड इट्स गोइंग टू बी एंटरटेनिंग, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एब्सोल्युटली वेब सीरीज़ का ही ज़माना आ गया. इनफैक्ट हम कितने टीवी शोज, मूवीज़ भी जो मिस कर देते हैं थिएटर में या टीवी में, हम वेब पे तो देखते हैं. तो आई टोटली बिलीव, आई थिंक हमारे घर के बच्चे, बुज़ुर्ग सब आई थिंक अपने फ़ोन पे, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री, सब अपने फ़ोन पे कुछ भी मिस हो जाए, कुछ नया हो, कोई मूवी का ट्रेलर आए, कोई कुछ भी हो. और अब तो कितनी इंटरेस्टिंग सीरीज़ आ गई हैं, यू नो इतने चैनल्स हैं, दिस सो मच वैरायटी. आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई एम स्टेपिंग इनटू दिस एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. मैं सीधा दुबई से यही आई हूँ. इनफैक्ट मैं बहुत लास्ट मिनट कास्टिंग हूँ, मैं कल ही आई हूँ, आज मैं सबसे मिली एंड हियर आई एम एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस. आई थिंक इससे जल्दी कास्टिंग, इससे जल्दी तैयार होना किसी इवेंट के लिए आई थिंक मैंने कभी नहीं किया. तो आई थिंक ऑलरेडी बहुत ही एक्साइटिंग है ये सफ़र, आगे भी आई होप अच्छा रहे. आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरीबडी आज तक जितना भी प्यार दिया उसके लिए. और एंड अ स्मॉल प्रॉमिस कि आगे भी मेहनत करते रहेंगे, एंटरटेन करते रहेंगे. एंड कीप वॉचिंग, कीप गिविंग योर लव. थैंक यू. एंड द कोऑपरेशन. हाय, मैं हूँ रुचि, रंगीली रुचि के नाम से जानी जाती हूँ, ऑन रेडियो इन मुंबई. और आज की दोपहर आप सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ में आए हैं टू सेलिब्रेट दिस न्यू थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. जोरदार तालियाँ खुद के लिए बजाइए. वीकडेज में दोपहर में यहाँ पर आना और साथ देना बहुत बड़ी बात है.
मैं सीधा घुसने वाली हूँ हमारे टॉपिक पर जिसे लेकर के आज मैं यहाँ पर आई हूँ. लेट मी फर्स्ट टेल यू गाइज अ लिटिल अबाउट मिराज ग्रुप. Miraj Group has been around for more than 3 decades. Be it necessities to household, to pleasures or indulgences, to entertainment, Miraj Group has provided everything to the people, consumers, customers. Having ventured into more than 10 businesses, separate businesses, Miraj Group has been a pioneer in whatever they put their hands into. And all this was possible because of the meticulous hard work of the chairman, Mr. Madan Paliwal. Zordar taaliya ho jaye for Mr. Madan Paliwal and his constant conscious efforts. Kehte hain, koshish karoge to hal milega. Aaj nahi to kal milega. Vakt ko vakt dena padta hai badalne ke liye. और जब आप थोड़ा सा वक्त दे दें उसके बाद नज़ारा बड़ा सुहाना होता है. जैसा मैं कह रही थी, रिलेंटलेस एफर्ट्स, एंथुजियाज्म, पेशेंस, उसी के चलते मिस्टर मदन एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने 200 रुपये, विच वॉज हिज फर्स्ट पे, उससे कन्वर्ट किया है 2000 करोड़ की एंटिटी में. कम ऑन यार, दैट डिजर्व्स अ ह्यूज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. अनबिलीवेबल. Madan ji has always ensured to provide what the consumers need through his various businesses. And a few years back, when Miraj Group ventured into entertainment, they made sure that they make cinema that is enduring, real, and life-changing. And that's how films like Madari and the likes were made. But now, keeping in mind the fast-paced life of the youngsters and also the dynamics of the generation, they have decided to venture into digital platform with their newest baby, that is Miraj. Ka ye digital platform, which is called Miraj Miracle. Zordar taaliyan ho jaye for Miraj Miracle. That is what we are here to celebrate. And we also, hum kis cheez ke bare mein yahan par baat kar rahe hain aur kya showcase karna chahte hain. So can we have the AV please, Miraj Miracle. जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है. ऑलराइट, दिस गोज टू द मिराज ग्रुप एंड दिस न्यू वेंचर जिसमें उन्होंने अपना कदम रखा है. जो पहला एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट मिराज मिरेकल ने अपने हाथ में लिया है, इट्स ऑलरेडी आउट देयर एंड इट्स रनिंग सक्सेसफुली एंड ब्यूटिफुली एंड इट्स कॉल्ड अंधा धुंध. थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी बिफोर यू नो यू गाइज कैन विटनेस इट योरसेल्फ. अ हिलेरियस एंड कॉमिक टेक ऑन द सिचुएशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स एंटैंगल्ड इन द ड्रामा ऑफ कोर्ट केसेस. कैसा होता है हमारे यहाँ पर, हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में बड़ा ही सीरियस बिजनेस होता है ये कोर्ट केसेस का. लेकिन यहाँ पर हमने एक ऐसा फिक्टिशियस प्रोग्राम बनाया है आपके लिए विच इज एंटरटेनिंग, इट्स अ सटायर एंड इट इज समथिंग दैट आई थिंक वी नीड. प्लस ऑल्सो आई बिलीव कि हमारी जिंदगी आजकल रियल टाइम से ज़्यादा टाइम लाइन पर बीतती है. हमारी कुछ इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है ये शो अंधाधुंध, द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट मिराज मिरेकल हैज टेकन अप. हर सीरीज में 3 एपिसोड हैं और एक नए केस के बारे में बात हो रही है.